नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं पवन कुमार जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। ऑपरेशन के 60 दिन बाद में आपके दोनों कानों में सफ़ेद चकत्ते यानी टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, सफ़ेद दाग का बिंदु था, जिसके चलते दूरबीन से दोनों कानों का ऑपरेशन एक साथ किया गया था। और ऑपरेशन के 60 दिन बाद आज हम देखना चाहते हैं कान के पर्दे की क्या स्थिति है। प्लीज़ शो द मॉनिटर। फर्स्ट यू विल सी द ईयर। यहाँ हम देख रहे हैं ये कान का पिछला हिस्सा है। चूँकि ये ऑपरेशन पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया था, इसलिए कान के पिछले हिस्से पे किसी प्रकार का चीरा, कट, टांका, निशान इत्यादि नहीं है। ठीक है, ट्रांसकैनल मेथड में कान के प्राकृतिक क्षेत्र से दूरबीन अंदर एंटर करती है और पर्दे का ऑपरेशन किया जाता है। अब हम पर्दे की स्थिति को मॉनिटर पर देखेंगे। ओके, ठीक है, दिस इज नियो टिम्पेनो। ये जो आगे दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, ये सब ये अपना पर्दा है। ठीक है, गुलाबी सा जो पर्दा है पूरा, और रेड सीमेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। दूसरा कान पर्दा दिखाइए। कान के पिछले हिस्से पे हम देख रहे हैं यहाँ किसी प्रकार का चीरा, कट, टांका, निशान नहीं, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा किया गया था, जिसमें कान के प्राकृतिक छिद्र से हम यहाँ से एंटर हुए थे। और आप मॉनिटर दिखाइए, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बस 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 थोड़ा सा सीमेंट है। ये पर्दा है न्यू टिम्पेनम। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्लास, टीएम इंटैक्ट, पॉइंट हैज बीन रिजॉल्व। ओके, तो पवन जी, आप बुलंदशहर से हमारे पास लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके जयपुर पहुंचते हैं, और आज आपका ऑपरेशन के बाद में जांच लिया गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आप आने वाली भर्तियों के लिए पूर्ण रूप से फिट हैं। आपके मन में क्या विचार है? बस डॉक्टर साहब, ये थोड़ी प्रॉब्लम है कान में। कान में? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? जैसे पहले ही ऑपरेशन से पहले वैसी दिक्कत। अच्छा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए ठीक है। कान जांच किया गया है, दूरबीन जांच में कान एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एलर्जी नाक की है, नाक जो आपका बंद रहता है ना, एक बार नाक दिखा दीजिए, मॉनिटर दिखाइए। इसके लिए आपको अपनी दवा लेनी है। देखिए, ये जो चमक रहा है नाक में, जो चमक आ रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको भारीपन रहता है। साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है। ठीक है, जो एलर्जी की गोली दी गई है वो इस भारीपन को दूर कर देगी। नाक का स्प्रे है स्टेरॉइड वाला, वो बराबर लेना है। ठंडी चीज़ों का परहेज करना है, धीरे धीरे आपको सब सामान्य लगेगा। और पर्दे आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जैसे कि हमने मॉनिटर पर देख लिया है। ठीक है, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह की तकलीफों से जूझ रहे हैं, जिनके मेडिकल बिंदु पर्दे में 6 टिम्पेनोस्क्लेरोसिस इत्यादि हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर आएँ और अपना इलाज कराएँ, पूर्ण स्वस्थ होता है। जी, थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद।